सर बता रहे थे, हम सुन रहे थे, आने वाला फरवरी में मुझे भी स्टार एंड अबव का पूरा पूर्ण टारगेट है और वो फाइनल करना है किसी भी हालत में। और सबसे पहले तो आज यहाँ हम देख रहे हैं हमारे अग्रज गुरु कहें उर्फ डॉक्टर साहब मिस्टर पवन कुमार ठाकुर जो हमारे बीच आज पधारे हैं, और हमारे क्राउन डायरेक्टर साहब इस वॉरियर टीम के मिस्टर संजय कुमार मेहता जी, और हमारे अच्छे मित्र लगाए सभी जो लोग आए हैं सबको हम अपने तहे दिल से आज इस करजैन डीएलसीपी में सीएनटी प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत करते हुए अब अपनी बातों को मैं आगे रखना चाहता हूं। और आज सर बोले हैं कि दो प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे जो आप यूज किए हो जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। तो हमें लगा हमने यूज तो बहुत सारा प्रोडक्ट किए, उसमें से हम आज आप लोगों को बताना चाहेंगे सर स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना सर, ये सर स्पिरुलिना ये गजब की, इसका गुण के बारे में हम बात करेंगे तो जितना हम बोलेंगे वो पॉइंट में भी नहीं आएगा, फिर भी हम प्रयास करते हैं जो हमने सीखा है, जो जो फायदा हमको किया है, जो जो हमने दूसरे को दिया उन्हों से भी जो रिजल्ट मिला है उसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करने का इजाजत चाहते हैं और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्पिरुलिना ये जो है संसार के सबसे नंबर वन आहार पूरक फूड सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है सर इसको। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये गौतम बाली जी के साइंटिस्ट टीम और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं उन द्वारा ये उद्घोष किया गया है। स्पिरुलिना के गुण और सारा चीज जांच पड़ताल के बावजूद, प्रयोग के बावजूद जो रिजल्ट मिला है उनके तहत इस स्पिरुलिना को विश्व के नंबर वन आहार पूरक फूड सप्लीमेंट के रूप में माना गया है, जिसमें सर क्यों माना गया है इसको भी जानना जरूरी है। इसमें 46 किस्म के फूड सप्ली न्यूट्रिएंट्स रहता है जिसको हम कहते हैं पौष्टिक तत्व, और ये 46 किस्म के जो प्रकार के जो पौष्टिक तत्व है वो हमारा हर रोज बॉडी का डिमांड है। हम साइंस को जानते हैं थोड़ा सा सर, बायोलॉजिकल स्टूडेंट रहे हैं, हमारा ये बॉडी का डिमांड 46 तत्वों की होती है पर डे चाहिए ही, यदि मिल गया तो हम आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना होता होगा और ना कोई अस्पताल के चक्कर लगाना होगा, ऐसे घूमने फिरने तो जा सकते हैं, दूसरे साथी को मीट करने भेंट घाट करने तो जा सकते हैं ऐसे है, लेकिन स्वयं पेशेंट होके जाने का नहीं होता है। इस ये क्वालिटी होता है इस स्पिरुलिना में, और इस 46 तत्वों में से इसमें 45 तत्वों की उपस्थिति है सर, ये WHO का रिपोर्ट है 45, हम आपको स्वस्थ रहने के लिए 46 तत्वों की पौष्टिक तत्वों की जरूरत है, जिसमें से 45 आवश्यक पौष्टिक तत्व इसे सिर्फ स्पिरुलिना में है, ना कि और कोई ऐसा खाद्य वस्तु जो हम आप खाते हैं हर रोज जीवन में तो किसी में नहीं है, जैसे भी हम आप खाते हैं सर। WHO का रिपोर्ट माना गया है और कहा क्या गया है कि 1000 किलोग्राम तरकारी सब्जी फल फूल जब तक हम खा लेते हैं, 1000 किलोग्राम जब तक खा लेते हैं और 1000 किलोग्राम और सब्जी जितना हमारा अपना बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स और मिनरल्स लगाए पौष्टिक तत्व प्रदान करता है वो सिर्फ 1 किलो 1 केजी स्पिरुलिना खाने से पर्याप्त है, उतना चीज सारा कुछ मिल जाता है। 99 किलोग्राम नहीं खाना है तरकारी और सब्जी, सिर्फ आप 1 किलो स्पिरुलिना खा ले वो आपको 1000 किलोग्राम सब्जी और फल फूल और तरकारी के बराबर के एंटीऑक्सीडेंट और एनर्जी शरीर को मिल जाने वाला है। इसीलिए इस स्पिरुलिना को
विश्व के नंबर वन आहार पूरक तत्व फूड सप्लीमेंट माना गया है। और इसके बारे में बताते हैं सर, ये है कहाँ? अब थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने जाना है जितना आप सब को देना चाहते हैं सर। और ये सर समुद्री शैवाल है सर, समुद्र के नीले और खारे पानी में, नुनीले और खारे पानी में ये उभरता है, एल्गी के रूप में है सर। जब इसका प्रादुर्भाव इस प्रकृति में, इस जलथल बोले एक्वाटिक प्लांट के रूप में, एक्वाटिक मेटाजोइक प्लांट के रूप में, अब एक इतिहास थोड़ा सा बता देते हैं सर। जब ये सारा पृथ्वी पूरा जलमग्न था, उस समय जो पहले बार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का प्रादुर्भाव हुआ था, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लाटी एलमेंटिस, निमेथी एलमेंटिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा करते हुए सारा कुछ आया। तो पहले बार जो फिर प्लांट साइड में हुआ था मेटाजोइक फॉर्मेशन, वो यही था सर एस्पर्लिना। इसका इतिहास बहुत पुराना है, हम और आप इसको इग्नोर कर दिए हैं, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया के दोस्त और भाई लोग सब जानते भी होंगे, तो हमारा नेपाल, हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं और समुद्र से हमारा देश कोई छुआ हुआ नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जानते थे। और जब हमारे गुरुजी अर्थात पवन कुमार सर और संजय सर इसके बारे में जानकारी कराया, हमें बहुत खुशी हुई। लगभग हम जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हम लोग भी साइंस में बायोलॉजिकल के स्टूडेंट रहते हुए थोड़ा सा तो जानते हैं, ज्यादा तो नहीं जानते, फिर भी इसके बारे में हमने नहीं जाना था। तो हमें लगा अरे भाई हम तो क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। वास्तव में सर ये तो मानना ही होगा कि हम आप हमारा लाइफ ही सर स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है, जिंदगी भर स्टूडेंट है सर। हम हर एक क्षण क्षण में आपसे, उनसे, उनसे सबसे सीखने का प्रयास कीजिए, सबसे जो कुछ नया बातें होंगे वो हम आप सीख सकते हैं। इसी संदर्भ में एस्पर्लिना के बारे में जो हमने बताया, 45 किस्म का तत्व, पौष्टिक तत्व इसमें हाजिर है, और सिर्फ एक किस्म का पौष्टिक तत्व तो नहीं है इसमें, वो है विटामिन सी। ये विटामिन सी की इसमें अनुपस्थिति होती है, और इस विटामिन, क्योंकि हमारा शरीर को फिर स्वस्थ रहने के लिए 40 किस्म का पौष्टिक तत्वों की जरूरत है, जिसमें से स्पिरुलिना सिर्फ स्पिरुलिना 45 तत्व पे कर देता है, सिर्फ एक रह जाता है वो विटामिन सी। इसके लिए आप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में स्पिरुलिना प्लस आंवला लेने का प्रयास करें अपने दैनिक जीवन में। खाना के बाद, भोजन के बाद एक कैप्सूल स्पिरुलिना का और एक कैप्सूल आंवला का लेने का प्रयास करें, और हमारा जो कोई भोजन से जो कुछ मिलता है वो खा ले खुशी से, ओम अमृतो भव कह के खा ले, और उसके बाद इसको डाल दें एक स्पिरुलिना और एक आंवला। उसके बाद हम आपको कोई कुछ सोचने का बात नहीं है, हमारा डाइट कंप्लीट डाइट हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, और हम आप निश्चित रूप में स्वस्थ रहने का। और ये इसको स्पिरुलिना को डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी कहते हैं सर। क्योंकि इस डिटॉक्सिफाइंग एजेंट क्यों कहा जाता है सर इसको, क्योंकि यू नो हम लोगों को क्या होता है कि विभिन्न किस्म के कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर होते रहता है, जैसे डाइजेशन में क्या होता है, अमृत तो निकलता ही है, तो उसके साथ विष भी निकलता है, और वो विष हमारे शरीर में कई भागों में एकत्रित होता है, और उसको निकालने का काम हमारा मल मूत्र द्वारा और शरीर के अन्य द्वारों द्वारा, इस मल मूत्र अर्थात मलमूत्र द्वारा इस विषैले पदार्थ जिसको जिसको टॉक्सिन कहते हैं और पॉइजनस सब्सटेंस कहते हैं, हार्मफुल इरागेस्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, उसको निकालने का काम करता है ये स्पिरुलिना। और जब विषैला तत्व तो हमारे शरीर से बाहर आ जाए, सारा का सारा पौष्टिक तत्व तो मिल जाए, तो सर हम और आपको स्वस्थ रहने से कौन रोक सकता है सर, निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए इसे स्पिरुलिना को डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। और सर दूसरी बात सर, इसको और भी दूसरा निकनेम से बोला करते हैं सर, वो है एनर्जी बूस्ट।
हिनाती बुस्त इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आप लोग जान लिए कि कितना किस्म का इसमें तत्व होते हैं 45 और एक विटामिन सी को कॉम्प्लीमेंट्रीज के साथ लगा देने से 46 अर्थात ये हमारा डाइट को कंप्लीट डाइट कर देता है अर्थात पूर्ण रूपे जितना एनर्जी चाहिए हमारे शरीर के लिए पर डे जो निरंतर हम आप दैनिक जीवन में जो विभिन्न वर्क करते हैं काम करते हैं शारीरिक मानसिक सबों को जो सेल और टिश्यू हैं उस सबको एनर्जी देने का काम करते हैं भरपूर एनर्जी देने का काम करते हैं इसलिए इसको एनर्जी बूस्ट भी माना जाता है। तो इतना जानकारी देते हुए स्पिरुलिना के बारे में आप लोग जाने होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग भी जानकारी देंगे ये आशा और विश्वास के साथ। अब हम आमला के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे क्योंकि सर बोले थे दो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए तो एक ये हो गया और दूसरा हम आमला के बारे में जानकारी देते हैं। सर आमला तो बहुत बहुत अच्छा फल है ये सब कोई जानते हैं ये विटामिन सी